हेलो, वेरी गुड इवनिंग 6 to 8 के बच्चों। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 45। एक और चीज़, देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 40 and 14। ठीक है बच्चे, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है 40 और 14। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है, ये होता है 40 TY और ये होता है 14, इट्स टीन। ओके बेबी, तो ये दोनों में फ़र्क होता है 40 और 14 में। तो इट्स वर्कशीट नंबर 45, 26 अगस्त 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, ये आप लिखेंगे, मुझे नहीं पता आपका नाम और आपके क्लास टीचर का नाम। अब हम शुरू करते हैं। प्रणव इज़ अ सेंसिबल बॉय। प्रणव एक सेंसिबल बच्चा है, समझदार बच्चा है। ही फॉलोड अ, वह फॉलो करता है, अनुसरण करता है, अ सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित रूटीन मतलब दिनचर्या, ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन पीरियड में भी वह एक व्यवस्थित दिनचर्या फॉलो करता है, एक टाइम टेबल फॉलो करता है कि इतने बजे उठूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने घंटे ये करूँगा। हिज फादर, उसके पिताजी इज़ अ टेलर, एक टेलर हैं। एंड मदर, और मदर इज़ अ होम मेकर, वो गृहिणी हैं। अलॉन्ग विद, साथ में, हिज रूटीन, अपने रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ साथ, ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की मदद करता है इन देयर वर्क, उनके काम में। हिज डेली रूटीन, उसका रोज़ का काम, इज़ मैंशनड इन द टेबल, मैंशन किया गया है, बताया गया है टेबल में, गिवन बिलो, बिलो मतलब नीचे, गिवन मतलब दी गई है, जो नीचे दी गई है। शुरू करते हैं बच्चे, क्या दिया गया है देखते हैं। वर्क, वर्क और टाइम, आवर्स में कितना टाइम है। वर्क बेटा स्लीप, अगर आप स्लीप कर रहे हो तो कितने घंटे स्लीप कर रहे हो। हम स्लीप कर रहे हैं 9 घंटे, कितने घंटे, नहीं हम नहीं, प्रणव, प्रणव कितने घंटे सो रहा है, 9 घंटे सो रहा है। हेल्पिंग पेरेंट्स यानी 4 घंटे अपने माँ बाप की मदद कर रहा है। वॉचिंग टीवी यानी 2 घंटे वो टीवी देख रहा है। प्लेइंग गेम्स यानी गेम खेल रहा है 3 घंटे। स्टडी कर रहा है 4 घंटे। बेसिक रूटीन नहाना धोना वगैरह वो हो रहा है 2 घंटे में, यानी कि टोटल हो गया। देखिए टोटल करते हैं पहले, तो 9 4 13 9 9 plus 4 13 plus 2 15 plus 3 18 plus 4 22 plus 2 24। क्लियर, यहाँ से देखिए 2 4 6 3 9 2 11 4 15 और 9 24। ठीक है, ये उसका रूटीन है। लेट अस शो हिज डेली रूटीन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, किसमें दिखाना है फ्रैक्शन, ये वर्कशीट है मैथ की, और मैथ की वर्कशीट है तो फ्रैक्शन की हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। प्रणव स्लीपिंग कितने घंटे करता है, 9 घंटे स्लीप करता है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ 9/24, और 9/24 को जब आप सिंपल बनाएंगे, 9/24 है बेटा 9/14, विल कट इट बाय 3, जो हमें, वी आर सपोज टू फाइंड आउट एक ऐसा फैक्टर जो यहाँ से भी डिवाइड करता है और यहाँ से भी, दोनों में एक फैक्टर है 9, हमें लग रहा है 9 होता क्या बच्चा, 9 इज 3 into 3। 24 को भी 3 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 3 into 8, आप ऐसा लिख देंगे तो 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, आपके पास आएगा 3/8। ये होता है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड स्टडिंग इन अ डे, 4 आवर्स, कितने घंटे, 4 घंटे। अगर आपको याद हो तो प्रणव कितने घंटे पढ़ रहा था, ये देखिए 4 घंटे पढ़ रहा था। आई एम राइट, आप भी याद करने की कोशिश किया करो फैक्ट्स को बेटा, याद करो फैक्ट्स, बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। इन केस यू वॉन्ट टू प्रूव कि आप इंटेलिजेंट हो तो आपको फैक्ट्स एकदम फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। 4 घंटे वो सोता है, नहीं 4 घंटे पढ़ता है बच्चे, 4/24 यानी कि इतने हो गया उसका फ्रैक्शन। जब हमने फ्रैक्शन बनाया 4/24, व्हेन वी कट इट, 4 के टेबल में 24 ऑलरेडी आता है, 4 1 4 4 6 24, तो हमें फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, 4 से ही कर देंगे कटिंग। हाउ मेनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड प्लेइंग इन अ डे, कितने घंटे प्रणव खेल रहा है, प्रणव खेल रहा है 2 घंटे या 3 घंटे, 3 घंटे खेल रहा है, दिखाऊं, ये देखें यहाँ लिखा है प्रणव खेल रहा है 3 घंटे। चले चलते हैं, तो 3 घंटे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, विल राइट 3 घंटे यहाँ, यहाँ लिखेंगे 3 और फ्रैक्शन बनाएंगे 3/24, और 3 के टेबल में 24 फिर से आता है तो ये हो जाएगा 1/8, क्या हो जाएगा बच्चे 1/8। हाउ मेनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड वॉचिंग टीवी इन अ डे, 2 आवर्स, 2 घंटे, कितने घंटे टीवी देख रहा है, 2 घंटे, ध्यान से सुन लीजिए, 2 घंटे टीवी देख रहा है वो, और आप लोग कितनी देर टीवी देखते हैं बताइए,
बेटा टीवी से दूर रहो, टीवी इज वो कैंसर की तरह है और आपकी ज़िंदगी को घर बर्बाद कर सकता है टीवी और फ़ोन और ये सब चीज़ें। हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड वॉचिंग टीवी इन अ डे, कितने घंटे देख रहा है? 2 घंटे बच्चे, तो 2/24, 2/24, 2 के टेबल में 24 आता है, 1/12, ठीक है बच्चे, डन। हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंडिंग हेल्पिंग हिज पेरेंट्स इन अ डे, 4 आवर्स इन अ डे वो अपने पेरेंट्स की मदद करता है ना, देखते हैं कितने आवर्स करता है अपने पेरेंट्स की मदद, देखिए यहाँ पर लिखा है 4, चलें तो 4/24 फिर से, क्योंकि अभी हमने किया था 4/24, व्हेन यू कट इट डाउन इट्स 1/6, तो आपके पास ये फ्रैक्शंस आ गए। इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, कलर द गिवन पिक्चर यूजिंग द फ्रैक्शन ऑफ प्रणव्स रूटीन, कलर करिए गिवन फिगर को किसको यूज़ करके, प्रणव के रूटीन को यूज़ करके, एज पर द रूटीन, रूटीन के हिसाब से चार्ट में दिया गया है कैसे, ये फ्रैक्शन 24 घंटे दिखाता है, ये जो पिक्चर है आपको 24 घंटे दिखा रही है, एक स्क्वायर का मतलब है 1 घंटा, तो अब हमने 9 घंटे के लिए स्लीपिंग कर रहा था तो 9 घंटे को कलर कर दिया है, बाकी आप कलरिंग कीजिए। चलिए शुरू करते हैं किस किस चीज़ को कलरिंग करता है, सबसे पहले तो वो अपने पेरेंट्स की मदद करता है 4 आवर्स, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा, ये गोला वाला मतलब हेल्पिंग पेरेंट्स, हेल्पिंग पेरेंट्स, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद वो 3 घंटे क्या करता है, 3 घंटे 4 घंटे, 4 घंटे फिर से वो क्या करता है, पढ़ाई, 4 घंटे क्या कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चे, स्टडी कर रहा है। 2 घंटे वो डेली रूटीन का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, डेली रूटीन, तो क्रॉस का मतलब है अलग अलग कलर करेंगे, ये नहीं कि मैंने सेम कर दिया तो आप भी सेम करेंगे, आप अलग अलग करेंगे, ये देखिए 2 क्रॉस का मतलब है बेसिक रूटीन, क्या कर रहा है, वो बेसिक रूटीन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद बच गए 3 घंटे और 2 घंटे, देखते हैं क्या कर रहा था, 5 घंटे और बच गए जो बेसिक रूटीन हो गया, प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग टीवी, ठीक है बच्चे, तो ये है प्लेइंग गेम्स 1, 2, 3, ये यहाँ पर लिख देते हैं प्ले, ठीक है बच्चे, और ये हो गया प्लेइंग गेम्स के साथ, ये हो गया वॉचिंग टीवी, क्या हो गया ये टीवी, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, आई होप ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है, ख़त्म होती है ये वर्कशीट, यही चीज़ें आपको करनी है, बहुत क्लियरली मैंने बता दिया कैसे करना है। यहाँ पर हर बॉक्स का मतलब है 1 घंटा, हर बॉक्स का मतलब क्या है, 1 घंटा, तो जो घंटे, और ये रेड वाला जो है कलर कर रखा है इन्होंने ऑलरेडी, ये क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, स्लीपिंग टाइम दिखा रहा है, इसलिए इन्होंने पहले से कलर कर रखा है। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई, अगर कोई डाउट हो तो बेचारा कमेंट करके पूछो और फटाफट कंप्लीट कर दो अपनी वर्कशीट। बाय मेरे बच्चों।